पुत्र जी। ओए अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ओए कुछ नहीं क्या? ओए अपनी आंटी को नहीं बताएगा? एक बात बताओ। एक क्यों पुत्र जी, दो तीन बातें बताओ, जितना मन करे उतनी बातें बताओ, बोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कभी आउटडोर गेम्स खेली ही नहीं है। वाले जी डरन वाली केड़ी गल है, चल लिया तू ते मुंडा है, मेरी रावी वे कुड़ी होके। अप्पा मेरा मतलब वो रविंदर को देखा है ना तूने, है ना? वो तो मुंडा हो कुड़ी हो, लड़के लड़की दोनों वाले खेल खेल लेता है। हाँ सारी गेम्स खेल लेता है, तू भी खेल लेगा, डरता क्यों है? कल मैं जरूर हारूंगा, मेरी मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा। ना ना पुत्र, हारन वाली गल कदी भी नहीं करते, और अच्छे बच्चे तो ऐसी बातें कभी भी नहीं करते। पुत्र वाहेगुरु पे भरोसा रखते हैं, वो सब ठीक करेंगे, तू देख लेना। तेरे मम्मी पापा भी ना तेरे पे प्राउड फील करेंगे, मान करेंगे तुझ पे। टेंशन ना ले, चल लिया जा। चल शाबाश, दूध पी ले। पी लई। ओए बच्चों देखो, दौड़ने से पहले वार्म अप करना चाहिए, और तुम सब लोग मैदान का एक चक्कर लगा के अपने अपने शरीर को, अपनी मसल्स को ना, मांसपेशियों को गर्म कर लो। चलो वार्म अप कर लो, एक दो चक्कर लगा के जा भाई, हो यहाँ से दौड़, चक्कर लगा लगाओ 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 लगाओ। वन टू थ्री। अमृता पुत्र, ओए ये रविंदर और इनको क्या हो गया? वो देख बच्चा कितना आगे निकल गया। पापा जी मैनू लगता पढ़ते पढ़ते ना थक गए बच्चे। चेर आजा आजा, गले मिला, आजा आजा, तू तो खुश कर देता मेरे को। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। क्यों है पुत्र, कुछ नहीं, ठीक है ना? शाबाश, चलो अब हम दूसरा खेल खेलेंगे। ओए ओ बाहर आजा, हार गया तू, आए थे, आजा आजा। अमृता पुत्र जी। पापा जी, वो रविंदर सारे खेलों में हार गया, और वो तो हार ही नहीं सकता, वो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। पापा जी मैनू लगता ये जो दिन रात की पढ़ाई है ना, ये दिन रात की पढ़ाई कर करके ना मेरा बेटा कमजोर सा हो गया। ओए ओए आजा 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 आजा, ओए इथे आजा 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 पुत्र आजा, ओए इथे आ। ओ अभी ना हम तेरी ही बात कर रहे थे, और तू मैनू एक बात दस, तू सारे गेम में हार गया, वो सारे खेल तुझे इतने अच्छे आते हैं, तुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। ओ कहना जादू, मैं जानबूझकर हार गया। ओ क्यों पुत्र? ओ जानबूझकर? ओ कहना, कल रात को मैंने मम्मी और नवजोत की बातें सुन ली थी। कल मैं जरूर हारूंगा, मेरी मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा। अगर नवजोत हार जाएगा तो उसके मम्मी पापा उसे खेलने का नया टाइम टेबल दे देंगे, फिर बेचारा क्या करेगा। मैंने ये बात रोहन और अमन को भी बताई तो वो भी जानबूझकर हार गए। कम से कम चश्मे तो खुश हुआ। अरे पुत्र, अरे तू कितना समझदार हो गया है। ओए मैनू माफ कर दे, ओ मैंने तेरा जबरदस्ती टाइम टेबल बनवा दिया पढ़ने का है। ओए माफ कर दे पुत्र, ओ मैनू माफ कर दे। दादू आपने तो हमारे भले के लिए सोचा था, जिससे हम अपना और अपने पिंड का नाम रोशन कर सके। ओए ओए मेरे समझदार पुत्ता है, तू है मेरा असली वारिस, ओए इस पिंड दा वारिस। ओए शाबाश शाबाश, ओए ले भाई मेरे विजेता। ओए आजा आजा, बैठ जा पुत्र बैठ जा। ओ मैनू पता ही नहीं था तू खेल में इतना अच्छा है, रोला पै गया जी। हाँ मुझे बहुत मजा आया।
ओ परमजीत, ओ जब से ये आया है ना, पहली बार मैंने इसको इतना खुश देखा है। ओ तूने तो बच्चे का बचपन ही छीन लिया। बच्चों के मन में क्या है जानना बड़ा जरूरी है सिमरन, वरना बच्चों का बचपन ना मुरझा सा जाता है। हाँ जी हाँ, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं समझ गई कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। और अलार्म? ओ जी अलार्म तो जाएगा बस्ते के अंदर। बिल्कुल सही कहा दिया। अपनी मम्मी को माफ कर देगी बेटा? मैंने भी दादू जी से एक बार भी नहीं कहा कि दिन रात पढ़ पढ़ के तुम बच्चों का क्या हाल हो गया। माफ कर दे पुत्र, और तुम लोगों ने भी तो बिना कुछ बोले हमारी सारी गल्ला मान लिया। मैं दादू जी का सपना पूरा करने के लिए जो कहे मैं करूंगी, ये बात भी आपने ही मुझे सिखाई थी ना। वाह पुत्र, नाज है मुझे तुझ पे। तेरा कोई भी बलिदान मैं कभी जाया नहीं जाने दूंगी, ये तेरी माँ का वादा है तुझसे। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंद्र।